सोलन शहर में जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए सभी कैमरा खराब पड़े हैं और महज 100 पीस बनकर रह गए हैं, जिसके चलते सोलन में चोर गिरोह सक्रिय हो चुके हैं। वह आए दिन सोलन के विभिन्न क्षेत्रों में बेखौफ होकर चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देकर लोगों की खून पसीने की कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं और पुलिस के हाथ चोरों का कोई सुराग नहीं लगता है। सोलन शहर में केवल लक्कड़ बाजार सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित माना जा रहा है, जहां एसोसिएशन द्वारा एक वर्ष पहले कैमरे लगाए गए थे और सभी चालू हालत में हैं, जहां चोरियों की घटनाएं हुई थी, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के चलते चोरों की पहचान कर उन्हें पकड़ लिया गया था। लक्कड़ बाजार एसोसिएशन के प्रधान नीरज वर्मा ने बताया कि एक वर्ष पहले उनकी एसोसिएशन ने सांसद निधि से बाजार में 13 कैमरे लगाए थे, जो बिल्कुल ठीक हालत में हैं और यही वजह है कि यहां के व्यापारी और क्षेत्रवासी अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने रोष प्रकट करते हुए कहा कि शहर में जिला प्रशासन व अन्य एसोसिएशनों ने भी कैमरे लगाए थे, लेकिन उनमें से एक भी कैमरा चालू हालत में नहीं है, जिसके चलते शहर की सुरक्षा दांव पर लगी है। इसीलिए उन कैमरों को जल्द से जल्द ही करवाना चाहिए, ताकि शहर में हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। लक्कड़ बाजार हिमाचल का पहला ऐसा बाजार है जिसमें 13 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, और ये सभी कैमरे जो हैं ऑनलाइन मोबाइल पर चलते हैं, जिन्हें आप कहीं भी किसी भी स्टेट से बैठकर जो है अपनी दुकान, अपने व्यवसाय को दुकानदार जो है वो देख सकता है। पिछले कुछ समय पहले जो है लक्कड़ बाजार में जो है कुछ चोरियाँ भी हुई थी, जिन्हें जो इन कैमरों की मदद से पुलिस को काफ़ी इसमें सहायता मिली थी, पुलिस को काफ़ी लीड मिली थी, जिसमें जो है चोर पकड़े भी गए थे। और भी कई एसोसिएशन में इस तरह के कैमरे लगे हैं बाजार में, पर वो कैमरे आज की तारीख में जो है वो बंद पड़े हैं। सोलन शहर में और भी आसपास कई जगह जो है वो कैमरे लगे हुए हैं, जो आज की तारीख में है कैमरे जो हैं वो बंद पड़े हैं, वो मात्र एक शोपीस बनकर रह गए हैं। और शहर में आए दिन जो है वो चोरियों की घटनाएं हो रही हैं, जिसमें जो है पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि पुलिस के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि वो घुमाएं और वो उन चोरों को पकड़ लें। कैमरे एक ऐसी चीज़ है जिनसे पुलिस को जो है और आम नागरिक को जो है ये पता रहता है कि हमारे बाजार में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। चोरी की अगर कोई घटना होती है तो उसमें पुलिस को जो है इन कैमरों की मदद से लीड मिलती है।